हेलो फ्रेंड्स, सुप्रिया हियर। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायर इंडिया क्लब में। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसे लाइक एंड शेयर भी करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ द क्विक मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स का जो बेसिक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है। तो फ्रेंड्स, वी जो होता है यहाँ पे वो नॉन इंटीग्रल होता है। आपको दो फंक्शंस दिए होते हैं जिसको मैंने यहाँ पे यू और वी से डिनोट किया है। तो वी जो होता है फ्रेंड्स, आपको लेना होता है नॉन इंटीग्रल, एंड यू आपको उसको कंसिडर करना होता है जिसका डिफ्रेंसिएशन आपको पता होता है। तो फिर इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स dx। तो फ्रेंड्स, ये आपका बाईपार्ट्स का बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन फ्रेंड्स, बाईपार्ट्स का जो मेजर एप्लीकेशन होता है वो होता है क्वेश्चंस लाइक ई रेज टू एक्स इंटू एक्स क्यूब डी एक्स, ई रेज टू एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को मेनली बाईपार्ट्स से सॉल्व किया जाता है। चूंकि फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन सारे कैटेगरीज के क्वेश्चंस को जनरलाइज किया जाता है बाय टू फॉर्मूलाज। वो फॉर्मूला है ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड फॉर्मूला गिवेन है फ्रेंड्स, e रेज टू x f ऑफ x माइनस एफ डबल डैश x डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू x f ऑफ x माइनस एफ डैश x प्लस सी। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को मेनली आप सॉल्व करते हैं बाई पार्ट से, बाई कंसिडरिंग द नॉन इंटीग्रल v एंड द नॉन डिफ्रेंसिएबल फंक्शन u। लेकिन फिर चूंकि आप अगर बाई पार्ट्स लगाते हैं तो इट विल बी टाइम टेकिंग टू सॉल्व बाय दिस मेथड। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, और वो फॉर्मूला है ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो अगर यहाँ पे कोई फंक्शन दिया है और अगर उसका डेरिवेटिव यहाँ पे गिवन है, तो आप उसका आंसर सीधे ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी डायरेक्ट दे सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन है और माइनस साइन के साथ अगर उसका डबल डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो आप उसके आंसर को रिपोर्ट कर सकते हैं एज ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस साइन के साथ उसका फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस सी। तो फ्रेंड्स, आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस दो फॉर्मूला की मदद से इजिली सॉल्व करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे कि अगर आपके पास क्वेश्चन है, अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है तो मैं वो एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि आप कैसे इस फॉर्मूला की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर आपके पास क्वेश्चन ये है, तो अब सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आपके दिमाग में वो फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए। अब आप ढूंढेंगे वो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, या फिर फंक्शन और माइनस साइन के साथ उसका डबल डेरिवेटिव। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अगर आप साइन एक्स को फंक्शन लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे माइनस साइन के साथ है, तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको फर्स्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ही गिवेन है। तो फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे माइनस साइन है तो अब आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब फ्रेंड्स, आप देखिए, अगर आप इसको फंक्शन लेते हैं कॉस एक्स, तो फ्रेंड्स ये जो होगा वो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा एफ डैश एक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस साइन था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन को बाहर ले लिया है, और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, चूंकि यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये नहीं बन रहा था इसलिए मैंने माइनस साइन लेके इस फंक्शन के डेरिवेटिव को यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। तो फिर इसके आंसर को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, माइनस साइन चूंकि आपने बाहर लिया था तो माइनस ई रेज टू एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, वेर एफ ऑफ एक्स इज कॉस एक्स प्लस सी।
तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, आप बाईपास लगा के सॉल्व करते तो आपको ज्यादा टाइम लगता है, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे ई रेस टू एक्स इंटू एक्स क्यूब डीएक्स। अब फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि यहां पे फंक्शन तो है लेकिन उसका डेरिवेटिव नहीं है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बाईपार्ट्स की मदद से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी उस फॉर्मूले की मदद से बना सकते हैं, इसको इसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट करके। तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूं। तो आप सबसे पहले ई रेस टू एक्स को बाहर लिखें, आपके पास फंक्शन है एक्स क्यूब, इसके डेरिवेटिव को आप लिखेंगे फ्रेंड्स तो 3x स्क्वायर। अब चूंकि आपने यहां पे प्लस 3x स्क्वायर किया है तो आपको माइनस 3x स्क्वायर करना होगा सो दैट ये कैंसिल हो जाए। अब फ्रेंड्स आपने जो माइनस किया है अगर उसका डेरिवेटिव आप देखेंगे तो 6x आएगा। अब चूंकि यहां पे आपने माइनस 6x लिखा है तो इसलिए आपको यहां पे प्लस 6x लिखना होगा। अब फ्रेंड्स प्लस 6 का डेरिवेटिव आप देखेंगे तो 6। अब चूंकि आपने प्लस 6 लिखा है इसलिए आपको माइनस 6 यहां पे लिखना होगा। तो फ्रेंड्स ये आपको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन ना आ जाए, क्योंकि अगर आप कांस्टेंट फंक्शन का नेक्स्ट अगर डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो जीरो आएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन लास्ट में ना बच जाए। फ्रेंड्स ध्यान दें कि आपने जितने भी प्लस किए हैं उनको आपको माइनस करना है, और अगर जिसको भी आप माइनस कर रहे हैं उसको प्लस करना है सो दैट कि वो टर्म कैंसिल हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आप यहां पे इसको देखेंगे तो फ्रेंड्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हुआ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ, 3x स्क्वायर के लिए आपने लिखा माइनस 3x स्क्वायर एंड इसका डेरिवेटिव हुआ माइनस 6x, फिर इसके लिए आपने लिखा प्लस 6x और इसका डेरिवेटिव हुआ 6। तो अगर आप फंक्शन यहां पे कंसिडर करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x को, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको मिलेगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 6x एंड प्लस 6x का प्लस 6 इंटू dx। यहां पे फ्रेंड्स एक बच जाता है माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x dx। तो फ्रेंड्स अब ये सेम बन गया वो फॉर्मूला, यहां पे fx लिखा है और ये उसका डेरिवेटिव। तो फ्रेंड्स इतना का आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं e रेस टू x एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला e रेस टू x f ऑफ x प्लस एफ डैश x इज इक्वल टू e रेस टू x f ऑफ x प्लस c। अब फ्रेंड्स यहां पे माइनस 6 है एंड e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x प्लस सी। तो फिर आप देख रहे हैं कि आप कैसे इस टाइप के भी क्वेश्चंस को वो फंक्शन में कन्वर्ट करके और उस फॉर्मूले की मदद से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो फिर आई होप कि आप ये मेथड क्वेश्चंस में यूज करें, ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जिसके थ्रू क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।